बताएं कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नौजवानों को 50 लाख की बजाय अब 2.5 करोड़ रुपए तक की रकम अदा की जाएगी। वज़ीरे आज़म से मुशीरे खजाना हफीज शेख और मुआवन खसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई है और इस मुतल्लिक आपको ये बताएं कि कारोबारी मौके देने के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने का फैसला किया गया है। रकम की फराहमी की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। रकम पर वाजिब अदा सूद की शरह भी 8% से कम करने का फैसला किया गया है। वज़ीरे आज़म का हालात बेहतर होते ही नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान के तमाम बैंकों को कामयाब जवान प्रोग्राम शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है और नौजवानों को मजीद सहूलियात दें ताकि बड़े कारोबार कर सकें। वज़ीरे आज़म की जानिब से कहा गया, लॉकडाउन में नरमी आते ही नौजवानों को कारोबारी मैदान में आगे लाएं। वज़ीरे आज़म की जानिब से कहा गया, नौजवान मुल्क का असासा हैं, उन पर मजीद सरमायाकारी करेंगे। मुल्क की मईशत को संभालने में नौजवानों का किरदार भी अहम होगा। वज़ीरे आज़म की जानिब से ये कहा गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और नौजवानों को 50 लाख की बजाय 2.5 करोड़ रुपए तक की रकम मिलेगी। वज़ीरे आज़म से मुशीरे खजाना हफीज शेख और मुआवन खसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई।